कमिन मैम। कमिन। मैम मैंने सुना है कि आपकी कंपनी में एक सेल्समैन की जरूरत है। हाँ जी बैठिए। थैंक यू मैम। मिस्टर ताबिश जी मैम, तो आप सेल्स की जॉब के लिए आए हैं? यस मैम। ओके, तो आपको इस जॉब की जरूरत है? यस मैम। तो मिस्टर ताबिश, मेरा ना इंटरव्यू लेने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो ये एक पेन है, आप इसे मुझे बेच कर दिखाइए। ये पेन मुझे आपको बेचना है? हाँ जी मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेन नहीं, एक मार्कर है। ओके, तो मार्कर बेच कर दिखाइए। और मुझे ये बताइए मैम, आपको इसकी ज़रूरत है? नहीं, ज़रूरत तो नहीं है मुझे इसकी। मैम जब आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है तो मैं इसको आपको सेल क्यों करूँ? मिस्टर ताबिश, मुझे आपकी सेल स्किल देखनी है। मैम सेल्स स्किल्स तो आप मेरी देख लोगे, लेकिन जो चीज़ आपको चाहिए ही नहीं, मैं उस चीज़ के लिए अपनी एनर्जी और अपना टाइम क्यों ही वेस्ट करूँगा? मिस्टर ताबिश, ये आपका इंटरव्यू चल रहा है और इसे बेचे बिना आपको जॉब ये नहीं मिलेगी। मैम देखो, अगर आप चाहते हो ना कि आपको ऐसा एम्प्लॉय मिले जो आपकी गलत चीज़ों को भी सही ठहराए और सही चीज़ों को गलत ठहराए, तो शायद मैं वो एम्प्लॉय नहीं हूँ। और अगर मुझे जॉब नहीं मिलेगी तो चलेगा, लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ मैम, कि अगर एक कस्टमर आता है और मैं यहाँ पर आपकी कंपनी में वर्क करता हूँ, वो मुझे कहता है कि फ्रिज दिखाओ, और मैं उसको दिखा देता हूँ एसी, और मैं उसको बोलता हूँ कि दोनों ही ठंडा करेगी, तो ये गलत हो जाएगा, ये उसके ऊपर ज़बरदस्ती थोपने वाली चीज़ होगी। और वैसे भी मैम, मैं यहाँ पर सेल्स पर्सन रहूँगा, अगर आपकी कंपनी में मुझे हायरेशन मिलती है, आप मुझे हायर करते हो, तो मैं चाहूँगा कि कंपनी का ग्राफ ना ऊपर जाए ना कि नीचे आए। और मैम अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कोई फ्रिज लेने की, तो मैं उसको फ्रीज़र ही दिखाऊंगा, ठीक है, ना कि मैं उसको दूसरी चीज़ों को थोपूंगा। मैं फ्रीज़र के बारे में उसको सारे फीचर्स बताऊंगा कि उसको क्यों लेना चाहिए, जब वो उस चीज़ को ले लेगा, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, तब मैं उसके दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। इससे क्या होगा कि कस्टमर्स के बीच में एक रिलेशन क्रिएट हो जाएगा हमारे साथ, कस्टमर्स बार बार हमारी कंपनी में आएगा, प्रोडक्ट्स खरीदेगा, एक लॉन्ग टर्म हमारा रिलेशन क्रिएट हो जाएगा, ना कि वो छोड़कर जाएगा। और मैम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने तरीके से करना पसंद करूँगा, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई अपना तरीके से काम कराए, अपना तरीका बताए, और मैं नहीं चाहता मैम कि मैं किसी के तरीकों को फॉलोअप करके चलूँ, मेरा काम करने का अपना एक तरीका है, अपना एक सलीका है, मैं उसी से काम करूँगा। और रही बात मैम जॉब की, तो अगर आप मुझे जॉब नहीं देते तो भी चलेगा। ठीक है मैम, थैंक यू। मिस्टर ताबिश, आपने मुझे इतना कुछ सुना दिया, इतना ज्ञान फैल दिया, तो आपको क्या लगता है मैं आपको ऐसे जाने दूँ यहाँ से? आप यहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर लेकर जाएंगे। क्या मैम मुझे जॉब मिल रही है? हाँ, आपकी नौकरी पक्की है, तो कल से आप जॉब पर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। क्योंकि ना आज तक मैंने इतने एम्प्लॉयज का इंटरव्यू लिया है, पर मुझे ना कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं मिला जो गलत को गलत बोल सके। आज तक सभी एम्प्लॉय को जैसा मैंने कहा है ना, उन्होंने सिर्फ वैसा ही किया है, और ना मुझे आप जैसे सेल्समैन की जरूरत है यहाँ पे, तो आप कल से जॉब पर आ सकते हैं। मेरी वजह से कभी भी आपको निराशा नहीं मिलेगी, और आई प्रॉमिस यू कि मैं कंपनी में प्रॉफिट ही लाऊंगा। ठीक है मैम, थैंक यू।